आखिर दोस्तों क्यों मानते हैं? चमार जाति के लोग डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को अपना भगवान, चलो जानते हैं। दोस्तों चमार जाति का वर्णन प्राचीन भारत में कहीं भी नहीं मिलता है, तो फिर चमार नाम कैसे पड़ा? चमार जाति के लोग पहले क्षत्रिय हुआ करते थे। इनमें एकता होने के कारण ये विदेशी आक्रमण से भी पीछे नहीं हटते थे। इनकी एकता होने के कारण हिंदुओं में भी भाईचारा बनने लगा और अपने हिंदू धर्म के लिए हिंदू धर्म के लोग क्षत्रिय जाति के लोगों के साथ अपने धर्म को झुकने नहीं देते थे। सूर्यवंशी क्षत्रिय जाति के ही गुरु रविदास जी, जिन्हें रैदास भगत भी कहते हैं, वो अपने धर्म के प्रति हर इंसान को जागरूक करते थे। सिकंदर लोदी जो कि एक मुस्लिम शासक थे, उन्होंने हिंदुओं के धर्म को कम करने के लिए क्षत्रिय जाति के लोगों को और गुरु रविदास जी को बंदी बनाकर कहा कि अगर तुम सब हिंदू धर्म अपनाते हो तो तुम्हें चमड़े के जूते बनाने पड़ेंगे, अगर तुम चमड़े के जूते नहीं बनाओगे तो तुम्हें मुस्लिम धर्म अपनाना होगा। लेकिन गुरु रविदास जी और क्षत्रिय जाति के लोगों ने मुस्लिम धर्म अपनाने से मना कर दिया और कहा कि हम हिंदू धर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें चमड़े के जूते बनाना ही पड़ जाए। सिकंदर लोदी ने क्षत्रिय जाति के सभी लोगों से चमड़े के जूते बनवाना शुरू कर दिया और उन्हें अपमानित करने के लिए 16वीं शताब्दी में प्रथम बार चमार शब्द का प्रयोग किया, उन्हें चमार कहकर पुकारने लगे। धीरे धीरे इनकी शिक्षा पर, खाने पीने की चीजों पर रोक लगा दी गई, इन पर छुआछात और नीची जाति घोषित कर दी गई। सिकंदर लोदी का शासन खत्म होने के बाद ही सभी हिंदू धर्म के लोग क्षत्रिय यानी चमार जाति के लोगों से छुआछात, भेदभाव, ऊंच नीच करने लगे, क्योंकि तब तक वो सभी भूल चुके थे कि ये पहले सूर्यवंशी क्षत्रिय जाति थी। हिंदू धर्म के लोग ही इन्हें गलत साबित करने लगे, जबकि वो भी हिंदू धर्म में ही थे और वो भी एक इंसान ही थे। चमार जाति के लोगों को शूद्र भी कहते थे, जो कि गंदी नालियों और मरे हुए जानवरों का मांस खाकर अपनी भूख मिटाते थे। कहते हैं ना कि ऊपर वाला अवतरित जरूर होता है। तब जन्म हुआ डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का, जिन्होंने गरीबी होने के कारण सुबह की केवल एक चाय पीकर दलित और सभी चमार जाति के लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके 32 डिग्रियां हासिल की और सभी धर्मों का आकलन करके और सभी भाषाओं का निर्माण करके उन्होंने संविधान का निर्माण किया। बाबा साहब ने दलित और सभी चमार जाति यानी कि सभी शूद्र जाति के लिए वो हर एक हक दिलाया जो कि हर इंसान को मिलना चाहिए। आज चमार जाति के लोग आराम से रह सकते हैं, खा सकते हैं, शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। इसलिए चमार जाति के लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को अपना भगवान मानते हैं। जरा आप सोचिए, अगर क्षत्रिय जाति के लोग और गुरु रविदास जी मुस्लिम धर्म अपना न लेते तो आज लगभग 55 करोड़ से भी ज़्यादा मुस्लिम भारत के अंदर होते। इसलिए उनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनसे कभी छुआछात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चमारी है जो कभी हिंदू धर्म को पीछे नहीं हटने देते। दोस्तों भगवान ने हर इंसान को एक समान बनाया है, कभी भी किसी को छोटा बड़ा भेदभाव ना करे, क्योंकि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, यह बात भगवद गीता में बताई गई है। इसलिए हमें मनुष्य होने पर गर्व है, मनुष्य होने पर हमें पृथ्वी के हर एक प्राणी की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों चमार शब्द का प्रयोग किसी को अपमानित करने के लिए नहीं करें, क्योंकि चमार का मतलब सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जातिवादी गाली के रूप में वर्जित किया गया है। इसलिए इस शब्द का प्रयोग सोच समझ कर करें, नहीं तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अनुलंघन के मामले में आप
पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।